बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, दिस इज सना और आप देख रहे हैं ब्यूटी की दुनिया व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल का नुस्खा लेकर आई हूँ, जिससे आप घर बैठे अपने हुसन की हिफाजत बआसानी कर सकते हैं। आज मैं आपको फेशियल बनाना बताऊंगी। हम घर में खुद फेशियल तैयार करेंगे, इससे आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत नरम मुलायम हो जाएगी। व्यूअर, ये सर्दियों का स्पेशल गिफ्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, नीचे लगे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। व्यूअर्स, अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम लेंगे एक बॉल लिया मैंने सबसे पहले। उसके बाद मैं लूँगी 1 टीस्पून बनाना मैंने ग्लैंड किया हुआ है। व्यूअर्स, ये हमारी स्किन को बहुत खूबसूरत बनाता है, नरम मुलायम बनाता है। मैंने लिया है बनाना। उसके बाद हम लेंगे बेसन, मकदार एक जैसी होनी चाहिए बेसन। उसके बाद हम 1 टीस्पून लेंगे मिल्क, 1 टीस्पून मैंने मिल्क लिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे व्यूअर्स, इससे आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बहुत नरम मुलायम हो जाएगी। व्यूअर्स, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करूँगी कि आज की मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। व्यूअर्स, हम खुद घर में फेशियल बनाएंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, अब इसका तरीका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से हमें करना है। हमने इसको इस्तेमाल इस तरीके से करना है। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने लेनी है थोड़ी सी, इस तरह से हमने हैंड पर अप्लाई कर ली, जैसे इस तरह ही हमने फेस पे अप्लाई करना है। व्यूअर्स, इस तरह से अप्लाई करना है और इसको खुश्क होने देना है। जब ये खुश्क हो जाए तो फिर हमने, जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा फिर हमने अपने फिंगर को हल्का हल्का पानी लगाना है और हमने इस तरीके से इसकी मसाज करनी है। व्यूअर्स, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करनी, बिल्कुल आहिस्ता से करनी है, धीरे धीरे। व्यूअर्स, इससे आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी, नरम मुलायम हो जाएगी, खूबसूरती का हसीन एहसास आपको घेर लेगा। व्यूअर्स, उम्मीद करूँगी कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।